टुडे इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। अब देखिए, मैंने सोचा कि बॉस आज के दिन पे तो लाइक ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी लगभग 11 दिन से 500 पॉइंट की मोमेंटम नहीं कर रहा है। 50,000 का इंडेक्स, 51,000 का इंडेक्स 500 पॉइंट का मोमेंटम नहीं कर रहा है, मतलब 1% का मोमेंटम नहीं कर रहा है। मार्केट गैप अप खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है और उसके बाद साइड बेस, जैसे कि कल के दिन पर हमने देखा 5 मिनट वाले कैंडल के अंदर ही पूरी एक्सपायरी समेट डाली। आज भी ऐसा हुआ, देखो निफ्टी के अंदर ट्रेंड बैठ रहा है, सेंसेक्स के अंदर ट्रेंड बैठ रहा है, बट जो मेजोरिटी लोगों का इंटरेस्ट होता है वो बैंकिंग सेक्टर पे ज़्यादा होता है। जैसे पर्सनली मैं खुद बैंक निफ्टी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ कंपेयर टू निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में आज के दिन पे क्या हुआ, मेरे पास स्नैपर ट्रेड पड़ा हुआ था, गैप अप खुला, मैंने उस पर स्टॉप लॉस बुक किया। उसके बाद मार्केट में मोमेंटम एक्सपेक्ट किया बट वो भी नहीं हुआ। मैंने और कुछ ट्रेड वगैरह तो नहीं लिया, आप लोगों ने कुछ ट्रेड वगैरह लिया, प्रॉफिट किया लॉस किया, डिटेल में लिख के बताइए कमेंट सेक्शन पे। अब देखो लास्ट 10-12 दिन से ऐसे मोमेंटम कर रहा है, अभी कल से जो हम लोगों ने कल के दिन एनालिसिस वगैरह किया था एग्जैक्टली सेम का सेम ही अपने को लेवल्स निकल रहा है, क्योंकि मार्केट जहां पर ओपन हुआ जो हम लोगों का ब्रेकआउट लेवल, चाहे बैंक निफ्टी की बात करो चाहे आप निफ्टी की बात करो, सब में जो ब्रेकआउट लेवल थे वहीं पे गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद मार्केट वहीं से रिजेक्शन फेस करते हुए नीचे की तरफ आया। निफ्टी का जैसे कि आप अपने चार्ट के ऊपर देख रहे होंगे, जो ये ट्रेंड लाइन है 25,260 वाला जो जोन हम लोग कल के दिन पे डिस्कस कर रहे थे, मार्केट वहीं पे गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद हमने देखा कि एक लॉन्ग विक बनते हुए नीचे की तरफ आया। टेलीग्राम पर हमने डिस्कस किया कि बॉस 5 मिनट का कैंडल अगेन गैप अप के बाद यहाँ पर सेलिंग दिख रहा है, तो जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता तब तक सेल ऑन लाइन वाला थीम ही फोकस करना चाहिए। टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट भी आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। तो अभी हो ये रखा है कि कहीं ना कहीं मोमेंटम आ नहीं रहा है, मोमेंटम नहीं आ रहा है, उस चक्कर में ऑप्शन बायर्स स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर 10 से 12 दिन, अगर आप कैलकुलेट करोगे 11 दिन का पूरा ही डेटा आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर चार्ट आ रहा होगा, 11 दिन से 50,000 वाला जो हमारा इंडेक्स है उसने 1% का मोमेंटम नहीं किया। सिर्फ 3 सितंबर को दिया था 1% के आसपास का मोमेंटम, वो भी एग्जैक्ट है टू बी स्पेसिफिक 520 पॉइंट का मोमेंटम आया था, उसके बाद हमको एक भी बार मोमेंटम नहीं मिल रहा है। अब देखो ऐसी सिचुएशन ये फेस मार्केट में आते रहता है, इतना लंबा तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूं मैं, बट आते रहता है। ऐसी सिचुएशन पे आपको सिंपल सा है, क्वांटिटी कम रखना चाहिए, ओवर एग्रेशन करोगे उस सिचुएशन पे आपके पास जब ट्रेंडिंग मार्केट आएगा कैपिटल रहेगा नहीं और फिर मार्केट को गाली देते हुए रहेंगे। देखो ऐसा नहीं करना है, पैसे संभाल के रखिए, जब अच्छा टाइम आएगा तो इसको हम डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं। अगर अभी ही एग्रेशन पे आके लास्ट 10-12 दिन का डेटा देख रहा हूँ मैं, काफी लोग ट्रैप हुए होंगे, काफी लोगों का पीनल वगैरह गया होगा यहाँ पर नेगेटिव के हिसाब से। जो जुलाई वाला महीना अच्छा था, अगस्त वाला महीना अच्छा था, उसके पैसे गवा दिए होंगे। आपके साथ ऐसा हुआ है तो डिटेल में लिख के बताइए। मेरा जो अगर मेरे स्नैपर की बात करूँ तो स्नैपर में कहीं ना कहीं मेरा ये मन सोफा नेगेटिव चल रहा है, पीएनएल भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। जुलाई अच्छा गया, अगस्त अच्छा गया, बट ये वाला महीना सो फार मैंने 2 से 3 बार छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस यहाँ पर लिए हैं, आगे का देखा जाएगा। अगर हम कल के एनालिसिस की बात करें तो देखो सिंपल है, जब तक बैंक निफ्टी 51,280 के नीचे नहीं टूटता है तब तक सेलिंग करना मत। सेलिंग करने पे यहाँ पर हो सकता है पॉसिबिलिटीज हैं कि जो जोन के अंदर लोग बैठे हो बैंक निफ्टी में उसमें हम लोग फंस जाएंगे। 51,280 वाला लेवल अगर ब्रेक करता है तो 51,040, 50,900 नीचे के जो स्टेप्स हैं वो हम लोगों को सपोर्ट के हिसाब से एक्ट कर सकते हैं। ऊपर की अगर हम बात करें जो ब्रेकआउट लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर वो है 51,580। 51,580 को ब्रेकआउट करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो लास्ट टू लास्ट डे पे हम लोगों का 51,750 वाला जो जोन, 720-750 वाला जो जोन बना था गैप अप के साथ जो खुला था बैंक निफ्टी, वो लेवल टेस्ट कर सकता है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी देखो ऊपर के लेवल्स पे जो आज का जो विक बना है, मतलब 25,280 वाला जो जोन है, 25,260 से 270 वाला जो जोन है, वहां पर अगर अपने को ब्रेकआउट देखता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25,310 और उसके बाद 25,340 वाला लेवल। सेलिंग करना है अगर निफ्टी में तो अपने को नीचे वाला लेवल जब तक ब्रेक नहीं करता, मतलब 25,140 ब्रेक नहीं करता, जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन बनाई थी कल के दिन जो भी डिस्कस किया था, सेम वही वही चीजें रिपीट करते हुए कोई सेंस नहीं बनता है। 25,140 जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है उसको जब तक ब्रेक
ब्रेकडाउन नहीं करता है तब तक सेंस नहीं बनता है निफ्टी को सेल करना। 25,140 को ब्रेक करता है तो इसका पहला सपोर्ट लेवल है 25,080 और 25,080 के बाद अगर नीचे की तरफ सस्टेन करता है तो 25,000 के आसपास अपना निफ्टी कल के दिन पे टेस्ट कर सकता है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स का मेरे को इतना फनी चार्ट लग रहा है, अगर आप देखोगे उठा के स्क्रीन के ऊपर आपके यहाँ पर आ रहा होगा, लाइक लिटरली 15 मिनट पे तो उसने क्या ही बना डाला है, क्या मैं उसके ऊपर कमेंट करूंगा, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो सेंसेक्स एज ऑफ नाउ दो ही लेवल्स के ऊपर अपने को फोकस करना है, ऊपर का ब्रेकआउट और नीचे का ब्रेकडाउन। कौन से लेवल्स हैं एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो ऊपर का जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 82,500, अगर उसको ब्रेकआउट करता है तो ही हम यहाँ पर बाइंग के हिसाब से सोच सकते हैं। 82,500 को ब्रेकआउट करते हैं देन वी कैन एक्सपेक्ट 82,730 वाला लेवल, और जो नीचे वाला लेवल है वो है 81,900 को जब तक ब्रेकडाउन नहीं करता है सेंसेक्स तब तक सेलिंग के लिए मत सोचिएगा, ये अगेन अपने को ट्रैप कर सकता है। 81,900 को ब्रेक करता है तो उसका पहला सपोर्ट लेवल है 81,720 के आसपास, उसके बाद हम लोग टेलीग्राम के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फोटो फ्लैश हो रहा होगा, स्कैन करते हो ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे लाइव मार्केट में मैं कुछ ना कुछ चीज़ें अपडेट करते रहता हूँ जो भी मुझे दिखती है चार्ट के ऊपर। जैसे आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि बॉस बैंक निफ्टी को अपने को यहाँ पर जिस हिसाब से मोमेंटम कर रहा है यहाँ पर ट्रैप कर सकता है, ऊपर की तरफ मोमेंटम आ सकता है तो वहाँ पर हम लोग खुद को बचाया हम लोगों ने डिस्कस करते हुए। उसके बाद लास्ट में मैंने कमेंट किया था कि बॉस सेलिंग करना मत, रैंडमली सेलिंग करेंगे तो फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मार्केट ने आज वही किया कि बॉस ऊपर की तरफ पुल करते हुए यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया। तो सो फार वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।